निशांत, वेलकम ऑन सुने स्पीक। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके, और आपने कमाल का गेम खेला है। मैं तो उसके लिए पहले अभी जरूर ताली बजाना चाहूंगी। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कैसा रहा? कोशिश यही थी कि... हाँ। नहीं, वो एक ही कोशिश यही थी कि जितने टाइम मैंने स्पेंड किया है, 6 महीने बिग बॉस के घर पे, तो मुझे पूरी तरीके से ये जर्नी जीनी थी। मुझे पूरी तरीके से ये जो बिग बॉस एज अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ माय लाइफ जो मुझे मिली, मुझे प्रॉपर अपना 100% देना था, और मैंने यही कोशिश की है कि अपना 100% दूँ। मैं चाहता था कि सारी ऑडियंस, मैंने बाहर आके मैं वही देखा कि इतने सारे फैंस, इतने सारे लोग मुझे जिन्होंने मुझे पसंद किया है, मैं थैंक यू बोलूंगा उनको, क्योंकि उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। एंड आई एम हैप्पी कि मेरी इतनी जर्नी है ऐसे 3-5 वाली रही। सो आई थिंक आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड अभी फिलहाल कि इतना क्या, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इन सारी चीजों की। पहली बार मैं ये सब देख रहा हूँ कि इतने लोग, थोड़ा सा एकदम एलियन वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो बाहर आके 3-5 किया या सिर्फ अंदर ही घर के घर के आए? नहीं, कहाँ कहाँ कुछ, क्योंकि आया घर पे कितने, 4 दिन हुए मुझे, 4 या 5 दिन हुए आके घर पे। अभी इतने सारे लोग, इतने सारे अभी काम की मीटिंग्स वीटिंग्स सारी चीजें हैं, सबको मैंने हाथ जोड़ के बोला भैया मुझे थोड़ा ब्रेक दे दो, मुझे दस दस दिन दे दो, 10-15 दिन, उसके बाद जो करना है करेंगे। पर ये इंटरव्यूज ही कितनी सारी चल रही है, सबको मिलना है, सबको बातें करना है, बट अभी टाइम है फैमिली के साथ आई स्पेंड, और मतलब मेरे जो दोस्त है उन लोग के साथ मैं थोड़ा स्पेंड करूंगा टाइम, क्योंकि 6 महीने हो गए उनके बिना। सो अभी तो फिलहाल उधर ही फोकस कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। विशाल, जितने भी कंटेस्टेंट थे सब कह रहे थे कि भाई आप बैग नहीं लेने वाले हो, बैग लेने वाले हो, और कोई अंदर वाले जो थे वो बोल रहे थे कि भाई कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, आपने उठा लिया झटपट 10 लाख का बैग, तो माइंड में इंस्टेंट कैसे आया निशान, बिकॉज यू आर ऑन टॉप उस टाइम पे? मैं सी ऑनेस्टली, मेरा बहुत सिंपल था। मैं बिग बॉस की मेरी जितनी भी जर्नी रही है उसमें जो मेरे दिल और दिमाग में पहली चीज आती है मैं वो ही करता हूँ, वो फिर भले तुम्हारे मुद्दे हो या कुछ भी हो या टास्क हो या कुछ भी डिसीजन मेकिंग, जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है आई थिंक मैंने वही किया है। उस पॉइंट पे मेरा एक था कि ये मैंने अपने आप को कहा था इनफैक्ट कि मुझे बिग बॉस के घर से कभी एलिमिनेट नहीं होना है। तो जब क्योंकि OTT का मैं फर्स्ट रनर अप रहा हूँ, मैं तभी भी नहीं निकला, इधर भी मैं टॉप 5 तक था, यहाँ पे भी मैं ऑडियंस थ्रू मैं टॉप पे था, बट तभी भी यही होता कि हम लास्ट में निकलते। और वो जर्नी मैंने देखी है, वो जो मतलब ऑफकोर्स सलमान सर नहीं थे, करण जौहर सर थे जिन्होंने हाथ ऊपर नीचे किए थे, प्लस बिग बॉस का घर मैंने बंद किया था, और मेरा हमेशा से यही था कि मैं आया हूँ इस घर में अपने बलबूते पे, तो जाऊंगा भी इस घर से अपने मर्जी पे। और मुझे वो कभी बिग बॉस का सुनना, वो स्टेटमेंट सुनना नहीं था कि निशांत आपकी आपकी जर्नी अभी खत्म होती है, मुख्य द्वार से आप बाहर आइए, ये मुझे सुनना नहीं था। तो इतने सारे जब एक्स विनर्स आए, मतलब सब दिग्गज जो आए, तो उनके साथ एग्जिट से बेटर क्या है, आप बताओ। 10 लाख रुपए जो विनर के अमाउंट में से मैं ले रहा था, और इतने अपने जो दिग्गज है, जो विनर्स है, वो मुझे घर के बाहर लेके गए, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ग्रैंड एग्जिट ऑफ बिग बॉस, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। और मैं चाहता था कि आगे जब ये अभी सीजन खत्म हुआ है, बट जब लोग याद रखे तो बोले कि अरे सूटकेस कौन लेके निकला था, अपना 3-5 वाला निशांत लेके निकला। सो ये सारी चीजें आई, क्योंकि ऑनेस्टली विनिंग का मेरा इतना था नहीं, मतलब मैंने OTT के वक्त भी विनिंग का इतना सोचा नहीं था। मुझे जर्नी ज्यादा इम्पोर्टेंट रही है हमेशा, और मुझे वो पूरी की पूरी एंड तक मेरे जैसे ही मुझे करनी थी, तो मैंने वही किया। अगर दोस्ती का नाम ले तो आप सबसे टॉप पर आते हैं, आपने दोस्तियां निभाई हैं, बहुत अच्छे से निभाई हैं। क्या कमा के निकले हैं निशान 10 लाख के अलावा उस घर से आप? उस घर की जो यादें हैं, मतलब दोस्त, मैं मतलब एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई कोई मतलब किसी ने कहा है क्या, कभी कभी लोग कहते हैं कि इस घर में रिश्ते बनते नहीं है, या यहाँ ये रिश्तों का शो नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सबसे ज्यादा रिश्ते बने हैं इस घर में, आई थिंक मेरे रिश्ते ऑडियंस से बने हैं, रिश्ते घर के मेंबर्स से बने हैं, सारे मेरे दोस्त हैं, इसके वजह से मैं एंड तक था। ये सारी चीजें मैं कमा के लेके जाऊंगा। यस, डेफिनेटली कुकिंग, जो मैंने जो कुकिंग करी है बाबा, मतलब मैं क्या बोलूं आपको, वो बस वो उधर की कमाई मैं उधर ही रखूंगा, मुझे और कुकिंग करनी नहीं है,
क्योंकि बहुत बैंड बजी है मेरी किचन साफ कर करके खाना पका पका के, बट अदरवाइज बिग बॉस में बिताया गया हर एक लम्हा, हर एक पल, हर एक सुबह, हर एक बिग बॉस की डांट, हर एक बिग बॉस का प्यार, ये सब सब मैं मेरे साथ हमेशा चेरिश करूंगा इन सारे मोमेंट्स को। क्या बात है, आपकी ओटीटी की टिकड़ी को भी बहुत प्यार मिला शमिता प्रतीक और आपकी तीनों की जो आपका जो बॉन्डिंग थी, क्या बोलना चाहेंगे प्रतीक को जब आपने देखा था कि वो टॉप टू में आ चुके हैं, और कैसा मोमेंट था आपके लिए? प्रतीक, मैंने हमेशा प्रतीक को ओटीटी में, शायद से हम इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, मतलब थे दोस्त थे, इतने थिक फ्रेंड्स नहीं थे, बट इस घर में आने के बाद उससे ना पता नहीं वो मुझे छोटे भाई जैसा लगने लगा मेरे, मतलब बिल्कुल, मतलब एक होता है छोटा भाई जो बड़े भाई को हमेशा बोलते रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो उसके सपने मुझे ऐसे लगते थे कि मतलब आई कुड कनेक्ट एंड रिलेट विद हिम, क्योंकि मैं भी वैसे ही मतलब था जब मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिली वाले लोग मेरी सुनते थे, तो मैं उससे वो बड़ा छोटा भाई वाला रिश्ता था, तो मैं बहुत ज्यादा खुश था। इनफैक्ट मैंने शो पे कितनी भी बार बोला है, अगर मैं नहीं जीतू ये शो तो ठीक है, लेकिन तू ये शो जीते वो भी मेरे लिए उतनी ही खुशी होगी। तो वही था, मैं खुश था कि उसको उसके, और हमारे लिए तो एक काफी मेमोरेबल है क्योंकि ओटीटी में सूटकेस लेके निकला था और रनर अप के पोजिशन पे मैं था, और यहाँ पे सेम उल्टा हुआ है पूरा, और मैं सूटकेस लेके निकला और वो रनर अप के पोजीशन पे था, तो हमारे लिए ये काफी सारे मोमेंट्स हैं जो जिंदगी भर याद रहेंगे, एंड आई थिंक या दैट्स अनदर मेमोरी आई वुड लाइक टू चेरिश। क्या कुछ था निशान जो आपको इतना काम एंड कंपोज रखता था, ओटीटी से लेके इतना लंबा सफर आपने एक बंद कमरे में बंद जगह पे निकाला है, आप हमेशा हंसते थे, चीयर अप रहते थे और लोगों को इतना एंजॉय करवाते थे, इतना एंटरटेन करते थे, क्या था वो, क्या चीज है आपके अंदर जो इतनी एंथुसियास्टिक रखती थी आपको? मैं ना जनरली लाइफ में बड़ा चिल हूँ, ठीक है, मुझे मैं बहुत चिल, मतलब मैं इतना दिमाग में टेंशन पाल के नहीं चल सकता, क्योंकि अपने इस दुनिया में कुछ भी कभी भी होता है, इतना सब किसी का भला नहीं हुआ है। मेरा हमेशा से मानना ये है कि अगर तुम किसी को हंसाओ या किसी के मुंह पे स्माइल लेके आओ, आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। रही बात मेरी लाइफ की, जर्नी ऐसे रही है कि मैंने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने काफी स्ट्रगल्स देखे हैं, तो इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है, इसलिए जितने भी चीजें होती है आई थिंक मैंने ये रियल लाइफ में झेली है, मैंने रियल लाइफ में मैं इन सारे इससे भी बदतर सिचुएशंस में मैं जाके आया हूँ, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं रोया हूँ, टूटा हूँ, बिखरा हूँ, लेकिन मैंने उस सारी सिचुएशन से एक सीख ली कि लाइफ में वापस कभी ऐसे हो तो उसको हंस के उस चीज का मुकाबला करो, ना के उस चीज को, मतलब उस चीज से हार जाओ। ऑफ कोर्स काफी सारे मोमेंट्स आए हैं घर पे जहाँ पे मेरा भी कॉन्फिडेंस लो हुआ है, जहाँ पे मैं भी एकदम ऐसे सहम सा गया था, बट आई थिंक उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में हमेशा एक ही था कि बी स्ट्रॉन्ग द वे यू आर, अपना तीन पांच करते रहो, और ये तीन पांच तुम्हें ये पूरी जर्नी मेरा क्लियर होता है हमेशा जनरली, सो मेरे क्लैरिटी के वजह से आई थिंक मैं ये जर्नी मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग रही है। हमने आपको रोते हुए देखा था जब राखी आपको पार्टी में नहीं ले गई थी, आप एकदम टूट गए थे उस समय, क्या हुआ था, क्या चीज ने आपका दिल इतना दुखा दिया था निशांत, आप एकदम से रो पड़े थे? मुझे जनरली लाइफ में बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को मैंने बहुत अच्छी तरीके से फाइट किया है, बहुत मतलब मैं स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस कंट्रोल कर सकता हूँ, पर जो छोटी छोटी चीजें होती है स्पेशली जिनसे मैं प्यार करता हूँ, लाइक राखी, मुझे राखी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उनको आइडल मानता हूँ, मतलब वो जो करती है वो कोई नहीं कर सकता और वो बहुत मस्त है, तो जब वो लेके नहीं गई थी राखी से मुझे ना थोड़ा अपनी वाली फीलिंग आती है, सो आई थिंक उन्होंने वो मुझे लेके नहीं गई थी तो मुझे बुरा लग गया था उस चीज का, बट वो होता है ना, अभी लग गया था, मतलब आई डोंट नो, क्योंकि बिग बॉस में बहुत इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द शेड्स। बट निशान बस लास्ट रूप, पहला तो ये बताइए कि क्या कुछ आगे करने वाले हैं, अब यहाँ से जर्नी आगे किधर जाने वाली है आपकी, और फैंस के लिए मैसेज? अभी जितना मैं देख रहा हूँ बाहर आने के बाद, जितना फीडबैक आया है, जितने सारे कॉल्स आए हैं, आई थिंक काम के काफी सारी चीजें हो रही है, बहुत सारे ऑफर्स है, बहुत सारी अलग अलग चीजें भी हो रही है, सो मैंने ये कभी की नहीं है, बस मैंने सबको एक ही कहा है कि मुझे थोड़ा ब्रेक दे दो, मुझे थोड़ा सही समझ के सोच के करने दो, बट यस मैं मेरे फैंस और इनको सबको एक कहूंगा कि थैंक यू वेरी मच, पहली बात तो कि इतना सारा ज्यादा प्यार आपने मुझे दिया है, मेरी ये जर्नी आपके इस प्यार के बिना इनकम्प्लीट रहती,
मैं सारे मीडिया लोगों को थैंक यू कहूंगा, क्योंकि आपने मेरे हर एक चीज को बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया। और मैं मेरे फैंस को और एक चीज कहूंगा कि आपने मुझे एक एंटरटेनर करके पसंद किया है, तो मुझे जब भी मौका मिलेगा, जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं आपको एंटरटेन करने का मौका ऐसे गवाऊंगा नहीं। और जैसे ही मुझे कोई भी मौका मिलता है, मैं आके फुल वापस अपना 3-5 दिखाने के लिए आ जाऊंगा। सो अभी फिलहाल तो वही है प्लान्स, बट होपफुली बिग बॉस के वजह से काफी सारी चीजें मिली है, एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू बिग बॉस। एंड थैंक यू निशांत, मजा आ गया आपसे बात करके, और आपको पूरी जर्नी देखते हुए हम बहुत खुश हुए। ऐसे ही हंसिए, ऐसे ही हंसाते रहिए, कभी निराश मत होइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट निशांत फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।